धार शहर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में परंपरा अनुसार निकलने वाले पथ संचलन को आज अनूठे अंदाज में सतत 8 घंटे तक निकाला गया। उक्त अनूठे पथ संचालन का शुभारंभ किला मैदान धार से सुबह 8 बजे हुआ। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह अनूठा पथ संचालन शहर की 14 बस्तियों की प्रत्येक गली मोहल्ले से होता हुआ अपने क्षेत्रों में एक ही ध्वज के नीचे कदम ताल करते हुए संघ के बैंड की सुमधुर धुन पर निकल रहा है। किला मैदान से शुरू हुआ यह मैराथन संचालन शाम 4 बजे तक अनवरत जारी रहेगा, जिसमें करीब 2500 स्वयं सेवक भाग ले रहे हैं। नाम बताओ आपका? आयुषी भट्ट। आज ये स्वयं सेवकों का आपने आरती कार्य क्या? ये निस्वार्थ सेवा करते हैं एवं हमें इन्हें देख के बड़ा गर्व महसूस होता है और ये हमारी प्रेरणा भी है, हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, इसीलिए आज हमने इनकी आरती उतारी और हमें ये मौका मिला आरती उतारने का, हम बड़ा गर्व महसूस। प्रतिवर्ष अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के रूप में हम लोग विजयादशमी उत्सव मनाते हैं। विजयादशमी परंपरागत तौर पे संघ का पथ संचलन निकलता है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धार नगर ने कुछ नया प्रयोग किया और इस अनुसार हमने धार नगर में चरे व्यती संचलन के रूप में संचलन निकालना प्रातः 8 बजे किला मैदान से शिवाजी बस्ती, एक हमारी बस्ती है, वहाँ के स्वयंसेवकों के माध्यम से निकाला। वो बस्ती संचलन करते हुए अगली बस्ती यानी महाराणा प्रताप बस्ती को उन्होंने नियमित जो समय तय किया था हमने उस तय समय पे ध्वज उन्होंने प्रदान करा। उसके बाद उस महाराणा बस्ती ने तीसरी बस्ती को, इस प्रकार 14 बस्तियों ने धार नगर में एक समय पे, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, उस समय के हिसाब से हम लोगों ने प्रत्येक जो समय तय किया था उस समय पे प्रमुख चौराहों पे ध्वज प्रदान किया। इस प्रकार धार नगर में 14 बस्तियों के 2000 स्वयंसेवक सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक लगातार चरे व्यती संचलन में आज भागीदारी कर रहे हैं। और बड़ा गौरव का विषय है कि समय का पालन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नया प्रयोग किया जो सफल हुआ। अंशुल राजपुरी।